मांगकर पहनते हैं, मांगकर खाते हैं और मांगकर ही इलाज कराया जा रहा है। इसीलिए ये मंगता पाकिस्तान है। इसकी बानगी ईस्ट लंदन की दुकानों पर जगह जगह लगे इन पोस्टर पर देखी जा सकती है। नवाज शरीफ के इलाज हेतु जकात मांगने के लिए लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी भिखारियों द्वारा यह पोस्टर जगह जगह चस्पक किए गए हैं। इधर मुल्क टमाटर के चक्कर में टमटम बना हुआ है। 400 रुपए किलो के टमाटर को पाकिस्तानी दुल्हने सिंगार बनाकर अपनी अमीरी का प्रदर्शन कर रही है। शेख रशीद टमाटर को नमक लगाकर खाते हुए पाकिस्तानी जनता को चिढ़ा रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ की प्लेट लेट ज्यादा लेट ना हो जाए इसके लिए लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी भिखारियों ने लोटे कटोरे उठा लिए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में नेता कोई भी हो, सरकार किसी की भी रहे, सबके सब चौराहे के भिखारी हैं। यानी खुद को परमाणु संपन्न कहने वाले कीटाणु संपन्न से ज्यादा कुछ नहीं है। मुगलों के फकीरी वाले कीटाणु इन्हें हर अवस्था में भीख मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर इन्हें एक पैरासिटामोल की जरूरत भी पड़ेगी तो उसके लिए भी ये अल्लाह के नाम पर दे दे बोलेंगे। पर मामला यहां तक नहीं है, पाकिस्तान का जन्म भीख पर ही हुआ है। भारत से इन्होंने संघर्ष करके इस मुल्क को नहीं लिया था, बल्कि पुदीने की खेती करने वाले जिन्ना ने गिड़गिड़ाकर और गांधी के पैरों में सजदा करके पाकिस्तान मांगा था। यानी जिनका मालिक ही भिखारी रहा उसकी संतानें भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। मजे की बात यह है कि दुनिया भर में अपनी फकीरी का प्रदर्शन करने के बाद ये अलोपी दीन बने घूमते हैं। गौरतलब है पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपना इलाज कराने के लिए लंदन गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को 4 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है। उनके साथ पीएमएल नवाज के अध्यक्ष और उनके भाई शाहबाज शरीफ और निजी फिजिशियन अदनान खान भी विदेश यात्रा पर गए हैं। लंदन में कुछ टेस्ट के बाद नवाज शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका के बोस्टन शहर ले जाया जाएगा। इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान में चिकित्सा सुविधाओं की क्या हालत है। यह फंटर लोग परमाणु बम बनाते बनाते उन चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों को भी खा गए जिससे सामान्य बीमारी का इलाज देश में हो सकता था। अब हालत यह है कि इस मुल्क के नेताओं को दस्त भी लगते हैं तो इलाज के लिए विदेश भागना पड़ता है। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की पाकिस्तान से शुरू हुई बीमारी का इलाज यहां नहीं हो पाया। वे दुबई के बिस्तरों में पाकिस्तान के भीख वाले कीटाणु पनपा रहे हैं। अब नवाज शरीफ को भी अमेरिका भागना पड़ा है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी आवाम की 5% आबादी डेंगू के कारण तहमन जोड़कर बनाई गई मच्छरदानियों में कैद है, जिसका इलाज पाकिस्तान के मदरसों वाले हफीजी और झोला छाप नीम हकीम कर रहे हैं। यहां भी ज्यादातर लोग दुआओं से मच्छर भगाने का प्रोग्राम चला रहे हैं। यानी पिछवाड़ा उठाओ, डेंगू भगाओ, इसके बाद मोर्टिन सुलगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि नवाज शरीफ के लिए लंदन में भीख के पोस्टर लगाकर उन्हें हीरो तो बना दिया गया, गरीब पाकिस्तानियों को ऐसी सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है? उनके लिए भीख मांगने वाला कोई नेता या कोई पाकिस्तानी क्यों नहीं है? उल्टे 400 रुपए किलो के टमाटर से उनकी तशरीफ का रंग लाल कर दिया गया है। प्याज के बढ़ते दाम आंखों से पानी निकाल रहे हैं। वैसे भी प्याज और परमाणु बम का वैर है, क्योंकि परमाणु विकिरण की काट के लिए प्याज लाभदायक है। ऐसे में पाकिस्तान की दोनों ने ही बैंड बजा रखी है, फिर पाकिस्तान के परमाणु बम का फायदा क्या हुआ? भारत की तो छोड़िए, ईरान और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की तशरीफ पर रोजाना दुलत्ती मार रहे हैं। अब खुद को कहते रहो हम है परमाणु संपन्न, यानी 4 जूते खाकर फिर से कहते हैं आगे से 2 जूते से ज्यादा मारे तो देख लेंगे। यह देश परमाणु संपन्न से ज्यादा भीख मांगने वाले लोगों का देश ज्यादा है, पर इसके बावजूद यह समझते हैं दुनिया में पाकिस्तान चमकता सितारा है। इनकी इसी सोच ने इन्हें कुएं का मेंढक बना रखा है, जिसके लिए ये गधैया नर्तक करते हैं, जोश में तहमत फाड़ते हैं और भुखमरी में जी रहे लोगों को परमाणु संपन्न कहकर उन्हें उनके त्रस्ते हाल पर छोड़ देते हैं। बेहतर होता अपना इलाज कराने के लिए नवाज शरीफ और मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना पड़ता, पर यह तभी होता जबकि यह देश परमाणु के पीछे अंधी दौड़ नहीं लगाता। यह सारा पैसा चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा और गरीबी मिटाने पर लगाया जा सकता था। लेकिन पाक के तैमन छाप लोगों में इतनी बुद्धि होती तो यह भारत से भीख में पाकिस्तान मांगते ही नहीं।
इन्हें तो पदीने की खुशबू ले डूबी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।